अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात करके आ रहे थे। मैं जैसे ही उनसे मुलाकात करने पहुंची तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपका क्या हाल है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी सेहत की चिंता मत करो, तुम मुझे बताओ कि काम कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है, क्या स्कूलों में किताबें टाइम से पहुंच गई हैं, बच्चों को अपनी पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। उन्होंने पूछा कि क्या मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयों की समस्या चल रही थी वो समस्या हल हुई कि नहीं हुई, क्या दिल्ली को लोगों को दवाइयाँ मिल रही हैं। उन्होंने उसके बाद कहा कि ये ज़रूर इंश्योर करना कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, दिल्ली वालों को बिल्कुल भी पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, उनको इस बात की चिंता है। उन्होंने अखबार में भी कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा है कि पानी की समस्या दिल्ली वालों को बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, इस पर उन्होंने खास ध्यान देने को कहा। और उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए एक संदेश दिया है, उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए संदेश दिया है कि वो जल्द बाहर आएंगे, और उनका ये वादा है कि जो दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये महीने देने हैं, जो सम्मान राशि देनी है, वो उसका पूरा प्लान बना रहे हैं, और दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये महीना अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की तरफ से ज़रूर मिलेंगे। सुनीता जी को पहले मिलने के लिए मना कर दिया गया था, एक क्या हुआ कि उसकी मंजूरी दे दी गई? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है, आप कभी भी कोई भी नया नियम कानून बना देंगे, दो लोगों के जाने की परमिशन है, जेल मैनुअल के अनुसार एक समय पे दो लोग जा सकते हैं, कोई परिवार का सदस्य जा सकता है, कोई जानकार जा सकता है, कोई दोस्त जा सकता है। मेरी और मिसेस केजरीवाल की, सुनीता केजरीवाल जी की जाने की इजाज़त है, ऑल ऑफ अ सडन मना कर दिया, ये कैसी तानाशाही है कि आप बस अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करना चाहते हैं? ऐसी तानाशाही इस देश में अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं होती, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे उन्हें प्रॉपर आदर सत्कार के साथ ट्रीट किया जाता था, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल से दिल्ली वालों से ऐसी नफरत हो गई है केंद्र सरकार को कि वो रोज़ नए नियम कानून बना रहे हैं। पर मुझे इस बात की खुशी है कि जब हमारे वकीलों ने इस मुद्दे को उठाया, जब सारे नियम कानून सामने रखे गए, तो इस तानाशाह सरकार को भी एक कदम पीछे लेना पड़ा और अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी को मिलने की इजाज़त मिली।